जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे तमाम देखने और सुनने वाले जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम खुश आमदीद कहता हूँ मैं आपको पिजन बर्ड पे। और अल्लाह ताला का फ़ज़ल करम और रहमत आप लोगों के साथ रहे। तो ये मेरा एक मैंने अभी जस्ट नया जोड़ा जो है वो लगाया, जस्ट यंग पेयर है और इसकी ब्यूटी आप देखें, इसकी खूबसूरती आप देखें। अभी ये फर्स्ट ब्रीड करेगा और ये 2023 अक्टूबर 2023 में ये मैंने अलहदा किया है और ये मेरा इम्पोर्टेड ब्लड लाइन से है। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा आपके सामने शौक करवा रहा हूँ। जो लोग फैंसी का शौक करते हैं, डैनिश वाइट डैनिश का शौक करते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी और बेहतरीन चीज़ होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को अभी ये ज़रूर कहूँगा कि फ़लस्तीन के जितने भी हमारे मज़लूम लोग हैं जिन पे इज़राइल जो है और उसके हवारी ज़ुल्म सितम कर रहे हैं, नस्ल कुशी कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन इज़राइल और इसके हवारियों को नस्तो नबूद करे और फ़लस्तीन और गज़ा के लोगों की गैब से मदद फरमाए। और अल्लाह पाक जितने भी वहाँ पे लोग इस वक्त मौजूद हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, जवान हैं, शायद कोई भी इस वक्त ऐसा नहीं है जो उनके इस जुल्म व सितम का निशाना ना बना हो। तो जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता वो ज़ालिमीन में से ही होता है। तो आप लोगों से मेरा इल्तमास है, थोड़ी देर के बाद मगरब की अज़ान होगी, आप दुआ कीजिएगा नमाज से पहले, अज़ान के साथ बाद अज़ान से पहले। अल्लाह ताला मज़लूमों की आवाज़ को सुनने वाला है और आप लोगों का अल्लाह ताला हामी व नासर हो। अल्लाह ताला आपको हर किस्म के ज़ुल्म व सितम से बचाए, हर तरह की परेशानी से बचाए, ये तो वही लोग जानते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के सरहदी इलाके में जो कशीदगी है, अल्लाह ताला इन लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और दुश्मन के इरादों को निस्तो नबूद फरमाए। और अल्लाह ताला हमारी जो बॉर्डर्स पे इस वक्त पाक अफवाज है, अल्लाह ताला उनकी और जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं उनकी हफाजत फरमाए। तो जनाब ये मैं शौक करवा रहा हूँ आपको एक अपने डैनिश का, तो ज़रूर आप देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला अच्छा लगेगा। इसके पाँव आप देखें, इसका पूरा स्ट्रक्चर आप देखें, तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये पूरा और कंप्लीट जो है वो जोड़ा ये बिल्कुल यंग मादी है। और इस वक्त मेरा ख्याल है ये ब्रीड पे अंडों पे है, तो मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया सिर्फ आप लोगों के शौक के लिए कि आप लोग इसका शौक भी कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट्स आप लोग नहीं देते, ज़रूर दिया करें, अच्छे या बुरे जो भी आपको लगे आप ज़रूर किया करें। तनकीद बराए इस्लाह होती है, तनकीद बराए तनकीद नहीं होती, तो आप इस तरह की तनकीद ज़रूर किया करें ताकि हम अपने बर्ड्स को भी बेहतर कर सकें और उनके जो है वो हफाजत जो हम कर रहे हैं अल्लाह ताला हमें मज़ीद तौफीक अता फरमाए। और जितने भी शौकीन हज़रात हैं उनके शौक़ को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। तो जनाब मैं आप लोगों से एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर दुआ कीजिएगा फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए, क़िबला अव्वल के लिए, मकामात मक़दसा की हफाजत के लिए दुआ कीजिएगा। चले जनाब खुश रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।